हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एंड मिस रतन जैन की। तो कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। रिसेंटली मैं कहीं घूमने गई नहीं हूँ, नेक्स्ट वीक जाऊँगी तो आप मेरे घूमने की वीडियोस देखेंगे नेक्स्ट वीक से। तो आज मैंने घर पे बनाया है सांभर, तो चलिए उसकी रेसिपी मैं आपको बता दूँ। पूरा डोसा और सांभर की रेसिपी मैं आपको बताऊँगी, एकदम ईजी भी है ये बनाने के लिए और इंस्टेंटली बन जाता है। थोड़ा सा बस सामान चाहिए आपको। तो मैं आपको क्वांटिटी बता देती हूँ किस तरह से हमें मिक्स करना है। ये ले लिए मैंने एक ग्लास उड़द की दाल का और थोड़ी थोड़ी इसमें डाल ली ग्रीन दाल, चने की दाल, और ये मैंने चावल को ऑलरेडी ग्राइंड कर लिया है। तो मैं आपको क्वांटिटी बता देती हूँ किस हिसाब से लेनी है हमें। जैसे दो कटोरी लेनी है चावल की तो एक कटोरी दाल की लेनी है, ये क्वांटिटी होनी चाहिए। नॉर्मल कोई भी राइस आप ले सकते हैं, और जो वाइट दाल होती है उड़द की वो लेनी है हमने। 2:1 का रेशियो हमने रखना है। तो इस तरह से हम सुबह भी घो लेंगे और राइस रात को ग्राइंड कर लेंगे। इस तरह से हमने रात को ग्राइंड करके दोनों मिक्सर को इकट्ठा कर लिए। इस तरह से दोनों मिक्सर को इकट्ठा करके और ढककर रख देंगे, और नेक्स्ट डे हम बनाएंगे डोसा। पहले हम बना लेंगे सांभर। सांभर बनाने के लिए मैंने सारी वेजिटेबल्स यहाँ पर ले ली है। बीन्स ले ली है, ड्रम स्टिक ले ली है, गाजर ले ली है, आलू ले ली है, टमाटर ले ली है और प्याज ले ली है। साथ ही साथ ये कद्दू भी ले लिए मैंने, जिसे हम लौकी कहते हैं, उसको भी पीसेस में कट कर लेंगे। आपके पास जो जो सब्जी अवेलेबल है आप वो सब ले लीजिए। मेरे पास ये बैंगन भी था तो मैं इसको भी कट करके डाल। तो सबसे पहले हम कुकर में डाल लेंगे, देख सकते हैं आधी कड़छी ऑयल डाल लेंगे। यहाँ पे सरसों का तेल यूज़ किया है मैंने। साथ ही साथ मैंने ये ले लिए हैं करी लीव्स भी हम ले लेंगे। जैसे ही हमारा तेल गर्म होगा उसमें सबसे पहले हम डालेंगे राई, देन उसके बाद डालेंगे हम थोड़ा सा जीरा। हम डाल देंगे इसमें हमारी जो करी लीव्स हैं, ये सांभर में ये मस्ट है, करी लीव्स हो गई और जो हमारे मस्टर्ड सीड्स हैं। तो हम इसमें डाल देंगे पहले ऑनियन, को रोस्ट भी करेंगे। बस जैसे ही हम ऑनियन डालेंगे साथ ही साथ में हम सारी वेजिटेबल्स भी इसमें एक एक करके सारी डाल देंगे। मैंने वॉश करके सब वेजिटेबल्स को मिक्स कर लिया है। तो इस तरह से हम सारी वेजिटेबल्स इसमें डाल के अच्छे से रोस्ट करेंगे 5 से 10 मिनट। तो ये देखिए सारी वेजिटेबल्स हमारी डल गई और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से ऑयल में अच्छे से सब्जियों को थोड़ी देर हम करेंगे रोस्ट। 5 से 10 मिनट हो चुके हैं रोस्ट करते हुए। साइड में मैंने ये तूर दाल है जिसको हम बोलते हैं अरहर की दाल, इसको आधे घंटे पहले ही मैंने पानी में भिगोकर रख लिया था। देख सकते हैं ये थोड़ी फूल गई है। तो मैं इस तरह से बनाऊंगी सांभर में, इस दाल को भी इसमें मिक्स कर दूंगी। ये क्या है, इस तरह से जल्दी बन जाता है सांभर। और मतलब आपको बार बार वो नहीं है कि दाल उबालनी है फिर सब्जी को करना है। तो इसी ये एकदम बेस्ट वे है सांभर बनाने का। जो टमाटर कट किए थे उनको भी डाल लूँगी इसमें और अच्छे से इसको 2 मिनट और कर लूँगी मिक्स। देन इसमें हम दाल को मिक्स करेंगे। देख सकते हैं सब्जियाँ हमारी कितनी कलरफुल लग रही हैं, सांभर एकदम कलरफुल बनेगा। तो इस तरह से जब हमारी सब्जियाँ हो जाए अच्छे से रोस्ट, हम उसमें डालेंगे अरहर दाल जो मैंने आपको पहले बताया। आधा घंटा पहले आपको उसको पानी में भिगो कर रख देनी है ताकि वो अच्छे से मैश हो जाए और सब्जियाँ हमारी खिली खिली रहें। साथ ही साथ देख सकते हैं मैंने इसमें डाल दिए, स्वाद अनुसार नमक डाल लीजिए आप। तो अब धीरे धीरे करके मैं सभी मसाले इसमें डालूंगी। देख सकते हैं थोड़ी सी हल्दी डाल दी है मैंने, 1/2 टेबल स्पून हल्दी डालेंगे और 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च डालेंगे और 2 बड़ी टेबल स्पून मैंने ले लिए सांभर मसाला। ये है सांभर मसाला, तो इसको डालेंगे और अच्छे से इसको करेंगे मिक्स। तो बस ये हो चुकी हैं सब्जियाँ अच्छे से रोस्ट। अब जो दाल हमने भिगोई थी इसको भी अच्छे से डालेंगे इसमें और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कम से कम 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इस तरह से। जब हमारी दाल भी अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें, देन हम इसमें पानी डालेंगे। इस तरह से हम सांभर बनाते हैं तो वो बहुत ही जल्दी बन जाता है। साथ साथ हमारी सब्जियां भी रोस्ट होगी, दाल भी डाली, तो हम डाल लेंगे अपने अनुसार पानी की। आपको किस तरह से चाहिए सांभर, ज़्यादा गाढ़ा चाहिए तो उस हिसाब से ज़्यादा पानी डालिएगा। तो सांभर को दे दी थी मैंने 4 से 5 विजल्स। 4 से 5 विजल्स में ये अच्छे से पक गया है। अब देख सकते हैं इमली का मैंने पल्प निकाला था, उसको भी अच्छे से मिक्स करके डाल लेंगे। तो ये है सांभर का, मैं ऊपर से लगाऊंगी एक छौंका जिसको बोलते हैं, वो छौंका लगाएंगे। ले लिए है तेल मैंने यहाँ पर, और उसमें डालूंगी थोड़ी सी राई। देख सकते हैं राई इस तरह से डालेंगे, साथ में डालेंगे ये लाल मिर्च, करी लीव्स डालूंगी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालूंगी और 1 टेबल स्पून फिर से डालूंगी इसमें सांभर मसाला। तो इस तरह से डालेंगे हम सांभर मसाला, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और इनको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। देन जो हमारा कुकर में सांभर बना है उसमें डाल देंगे हम। तो इससे इतना ज़बरदस्त फ्लेवर आता है जब आप खाने लगे तब इस तरह से ज़रूर मसाला बनाकर उसमें डालें। ये था इसका स्पेशल इन्ग्रीडियंट सांभर को एकदम स्वादिष्ट बनाने के लिए।
तो ये डोसे का मिक्सचर जो मैंने आपको रात को ही बताया था, मैंने ग्राइंड करके रख लिया था। इसको थोड़ा थोड़ा करके मैं लूँगी दूसरे डिश में, और थोड़ी सी इसकी कंसिस्टेंसी करेंगे हम पतली। उसमें डालूँगी पानी और नमक। तो इस तरह से मैंने ले लिया है यहाँ पे नॉन स्टिक तवा, तो इस तरह से पानी डालेंगे और इस तरह से आराम आराम से हल्के हाथों से हम डोसा बनाएंगे। तो देख सकते हैं किस तरह से हम हल्का 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 ऐसे करके डोसे को करते रहेंगे बड़ा। एकदम धीमी आंच में नहीं रखना है, हमें तेज़ आंच में ये बनाना है। देन हम थोड़ा सा धीमा करेंगे इसको। थोड़ा सा ऑयल डाल लिया मैंने इसके ऊपर, तो थोड़ा सा फ्लिप कर ली। देखिए मैंने इसको फ्लिप कर लिया है, तो किस तरह से इसका कलर आ गया। बहुत ही टेस्टी और यम्मी बना है। जब भी आपका मन करे घर पर तो ज़रूर बनाकर खाएं और अपने बच्चों को भी इंजॉय करवाएं। तो ये देख सकते हैं कोकोनट चटनी भी बनाई है मैंने। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे मेरी कोकोनट चटनी, या नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी मैं, आप देख सकते हैं। तो बस हो चुका है रेडी हमारा डोसा बनकर। तो फैमिली मेंबर्स ने बहुत अच्छे से इंजॉय किया, और ये लेकर जा रही हूँ मैं प्लेट मन्नत के लिए। मन्नत, ये लो मन्नत।